Hello students, welcome to Civil Mantra. The question is, in its natural condition of a soil sample has a mass of 1.980 kg and volume is given. After being completely dried in an oven, the mass of the sample is 1.800 kg. Specific gravity and unit weight are given. The degree of saturation of the soil, matlab एस आपको पूछा है, एस के लिए फॉर्मूला क्या है, ए सी इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो आपको क्या चाहिए, डब्ल्यू दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ई फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या दिया है, गामा टी आपको दिया हुआ है, कैसे, डब्ल्यू बाई वी। तो गामा टी कितना है, डब्ल्यू इज 1.980 बाई 0.001 के जी पर वॉल्यूम इट्स मीटर क्यूब। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो दैट इज 19.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, एंड आफ्टर ओवन ड्राई द सॉयल सैंपल का वेट कितना हुआ, सॉयल सैंपल का वेट हो गया डब्ल्यू एस, दैट इज 1.800, ये डब्ल्यू एस हो गया, डब्ल्यू एस बाई वी दैट इज 0.001। ओके, तो इसका कितना हो गया, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता है कि गामा डी इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू बाई वन प्लस सी। तो गामा डी इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू बाई वन प्लस ई। तो यहाँ से आपको वन प्लस ई इक्वल टू 2.7 इंटू 0.1 बाई वन प्लस ई, सॉरी गामा डी दैट इज 18। तो यहाँ से आपको ई वैल्यू कितना आ जाएगा, ई वैल्यू हो जाएगा 0.5। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी, राइट। तो एस कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू जी दैट इज 0.1 इंटू 2.7 बाई ई इज 0.5। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एस वैल्यू हो जाएगा 0.54, दैट इज 54%। सो सी इज द राइट आंसर।